नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बिहार में भोजपुरिया दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब से कुछ देर पहले खेसारी लाल यादव फेसबुक पर लाइव आए थे। बहुत सारी बातें उन्होंने की, बहुत सारी बातें ऐसी बातें की जिस पर दर्शक जवाब जानना चाहते थे कि आखिर खेसारी लाल यादव इन पूरे मसले पर वो अपना क्या राय रखते हैं। इन पूरे मसले पर जब खेसारी लाल यादव ने लाइव आए, लाइव आकर के पहले तो वो अपने किसी गाने का प्रमोशन में आए थे, लेकिन जब किसी ने उनसे फिर सवाल पूछा तब वो चले आए उन मसलों पर जिन मसलों पर खेसारी लाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था। और भोजपुरिया दर्शक बेसब्र हो गए थे। मुझसे भी कई बार कई शो में लोग पूछ रहे थे कि आखिर खेसारी लाल यादव ने अब तक कोई जवाब दिया या नहीं। तो मैं उनसे कह रहा था कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, खेसारी लाल यादव जवाब जरूर देंगे। लेकिन जब आज खेसारी लाल यादव लाइव आए तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जो वाकई बेहद हैरान करने वाली हैं, बेहद चौंकाने वाली हैं, और अगर आप सुनेंगे तो आप भी इस पूरे मसले पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इतने बड़े स्टार के साथ हो सकता है ऐसा। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं। खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ था, पटना में हमला करने की साजिश की गई थी जिसे वो एक सामान्य घटना के तौर पे देखते हैं। ये सारी बातें खेसारी लाल यादव आज बता रहे थे कि कैसे उन पर हमला करने की कोशिश किया गया था। और साथ ही साथ खेसारी ने ये भी कहा कि मैंने इतनी शोहरत बुलंदियों पर हासिल कर लिया बुलंदी कि अगर अब मेरी हत्या भी कर दी जाएगी तो मुझे अफसोस नहीं होगा। ये सारी बातें खेसारी लाल यादव कह रहे हैं फेसबुक लाइव आकर के। और ये बड़ा सवाल है कि क्या सच में खेसारी लाल यादव की जान को खतरा है। हो भी क्यों ना, बड़े स्टार हैं, बहुत सारी धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन ये बेहद गंभीर है मसला। जिसके बाद से उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। तूफानी लाल यादव के सेहत से जुड़े मसले पर भी आज बोल रहे थे खेसारी लाल यादव, और किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन खेसारी लाल ने इतना तो ज़रूर कहा कि मैं किस किस का मदद करता रहूं और किसी एक व्यक्ति की मदद करना संभव नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता हूं, जैसे बाढ़ पीड़ितों का मदद हो गया, अगजनी में भी मैंने लोगों की मदद की है, लेकिन कोई एक इंसान है जिसकी मदद करने के लिए कहे तो ये बड़ा ये हो जाता है। और वैसे भी वो गरीब परिवार से नहीं है, तूफानी लाल यादव के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो मिले थे इस पूरे मसले पर। उनके भाई जो है कुमार प्रणव जो है वो आकर के मिले थे, उनसे उन्होंने मदद की थी, लेकिन क्या कुछ कहा है लाइव वीडियो में वो आपको भी सुनना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में खेसारी आज क्या बता रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि खेसारी लाल यादव पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और किसी और ने नहीं, खेसारी लाल यादव ने खुद इस खबर की खुलासा किया है। हुआ ये है कि खेसारी लाल यादव कल फेसबुक पर लाइव आए हैं, और लाइव आने के बाद से उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। और ये बातें फेसबुक लाइव पर उन्होंने कहा कि मुझे पटना में मेरे ऊपर हमले का साजिश किया गया था, मुझे मारने की कोशिश किया गया था, ऐसी बातें बता रहे थे खेसारी लाल यादव। जिसके बाद से पूरा तमाम भोजपुरिया दर्शक सदमे में आ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, इतने बड़े स्टार के साथ इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो हाँ, ऐसा हुआ है और खेसारी लाल यादव ने खुद इसका खुलासा किया है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने साथ ही साथ कहा है कि मुझे दर्शकों का बहुत प्यार मिला है, अगर मुझे अब कोई मार भी देगा तो गम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता खेसारी जी, आपके दर्शक इतने हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं, लेकिन आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर आप नहीं रहेंगे तो भाई भोजपुरिया दर्शकों का मनोरंजन कौन करेगा। जहां तक बात है इस तरीके की, तो सरकार को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, ऐसी बातें दर्शक सोच रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने अगर ये खुलासा किया है तो वाकई गंभीर विषय है। अगर खेसारी के ऊपर ऐसी साजिशें हो रही हैं तो उनको नाकाम करना चाहिए। फिलहाल खेसारी लाल यादव अपने नए गाने के रिलीज के बाद व्यस्त हैं, लेकिन अगर इस तरीके की खबरें आती हैं तो सुरक्षा के मद्देनज़र उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि भोजपुरिया दर्शक
हमेशा से उनको प्यार दे सके। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। तो आपने सुना खेसारी लाल यादव को जान से मारने की धमकी पटना के अंदर दी गई थी, जिसके बाद से खेसारी लाल यादव ने और बहुत सारी बातें तो नहीं बताई, लेकिन उन्हें कहा कि हाँ उनको मारने की कोशिशें की गई थी, वो बच गए थे। हालांकि ये नया नहीं है, खेसारी लाल यादव की जान को खतरा इससे पहले भी कई बार हो चुका है, उन पर हमले भी हो चुके हैं। वैशाली के पास उन पर एक बार हमला हुआ था, एक बार वो जब पीड़ितों से मुलाकात करने भी गए थे उस वक्त भी उनके नाम को लेकर के ऐसी खबरें भी चली थी, लेकिन खेसारी लाल यादव इन सारी चीज़ों को दरकिनार रखते हुए एक बार फिर से जनता की सेवा में अपने फैंस के बीच अपनी फिल्मों को हिट कराने और कॉमेडी किंग बनने तक के सफ़र को लगातार जारी रखे हुए हैं, और ऐसी बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि इस तरीके की बातें करने से सिर्फ स्टारडम हासिल होता है और कुछ नहीं होता। शायद फैंस की दुआएं हैं, खेसारी हमेशा से सही सलामत रहेंगे और वो ऐसे ही फिल्मों में नजर आते रहेंगे। आपको इस प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव हो तो इस प्रोग्राम में आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।